our breaking news coming out of Peshawar, Pakistan, where a rescue operation is right now under funerals for students and teachers. So, Ahmad, let's just start. Just if you want to give me your full name and age. My name is Ahmed Nawaz, and I'm 14 years old. We saw in December just how dangerous life can be for school children in Pakistan. Take me back to what happened that day. And if you will, if it's okay, if you're happy, talk me through what you remember. मेरे दिल में ये ख्याल आया उस वक्त जब मैं कब्रिस्तान में खड़ी थी तो मैंने कहा ये मैं क्यों पूछ रही हूँ कब्रिस्तान में से बातें क्यों कर रही हूँ मेरा जो शहीद बेटा है हारिस नवाज वो तो स्कूल भी नहीं जा रहा था Our head teacher PA came and asked us to go to the auditorium for the first aid training इससे पहले भी इस स्कूल में बम रखे हुए थे तो हम गए तो बच्चे सेफली हमारे हाथ में दे दिए Suddenly the back doors open and firing was started suddenly मुझे अपने भांजे का फोन आया बच्चे कहाँ हैं मैंने कहा बच्चे तो स्कूल गए इस दौरान मुझे दुबई से एक रिलेटिव का फोन आया कि समथिंग इज हैपनिंग इन आर्मी पब्लिक सम ऑफ द चिल्ड्रंस लाइक सम स्टूडेंट्स स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ द ऑडिटोरियम देन वन ऑफ द गनमैन सेड टू द अदर दैट द चिल्ड्रंस आर हाइडिंग अंडर द चेयर्स रास्ते में मैंने उतने सबको फोन किया कि बच्चे कैसे किसने कहा कि ठीक है किसने कहा नहीं मिल रहे माय ब्लड रेन कोल्ड And I was so scared when I heard that. When I realized that it was my turn, moved my head under the chair. So when they fired, it was like deafening sound, and I got bullet in my arm. फिर जब दोबारा उसकी कॉल मुझे आई कि something is serious, you should check. मैं रवाना हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ. I lay there as well. There were many dead and injured children. So after a little while. We heard some voices of people, so we were happy till we realized that they were the terrorists. मैंने किया तो उसने उठाया तो वो चीख रहा था बहुत तेज आवाज में चीख रहा था किसी की आंखें निकली हुई थी किसी के चेहरे कलाशनकोफ के ब्रश से मसख किए गए थे किसी के गले कटे हुए थे तो ये सारे मनाजर देखने के बाद मैं बहुत डर गया था इसी दौरान मैं भी अपने बच्चों को सर्च कर रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ पे होंगे मुर्दा बच्चों को जिसको उठा रहे थे और हमें एक साथ ही एम्बुलेंस में फेंक रहे थे एक डेढ़ बजे का टाइम था कि अहमद उन्होंने कहा कि अहमद ठीक है थोड़ी देर बाद ही फिर सारे फैमिली जो थी वो अस्पताल में थी सारे बहुत से लोग आ गए तो मैंने इनसे पूछा कि हारिस कहाँ पे हैं मैंने कहा हारिस होगा अंदर स्कूल के अंदर दिल में काफ़ी ख्याल आ रहे थे उस वक्त मैंने कहा शायद वो कहीं और तरफ भाग गया हो गोली लग गई होगी पता नहीं क्या हो गया होगा ये लोग फ़ोन कर रहे थे एक को दूसरे को कि हारिस का पता लगाओ और मैं कहती हूँ कि हारिस इसलिए भी घर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं घर में नहीं थी मेरे आने के बाद वो आया घर वो जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया तो 4:30 बजे के टाइम मुझे अपने भाई का फ़ोन आया कि CMH में एक डेड बॉडी पड़ी है और उसकी शक्ल हारिस नवाज की तरह है उसने मेरे शोर के फ़ोन आया उसने कहा कि हारिस ने घड़ी पहनी हुई है कि नहीं मैंने कहा मैं तो घर में नहीं थी मुझे पता ही नहीं मैंने वहाँ पर अपने कज़न्स को भेजा उन्होंने वहाँ पे जाके कंफर्म किया कि ये हारिस नवाजी है तो ये एक ऐसी आवाज़ थी जो मेरे ख्याल में दुनिया की कोई भी जो पेरेंट्स हैं वालिदैन या वालदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस आवाज़ को अगर पीछे भी जाऊँ तो मैं बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजती एक दिन ये होता है कि मैं नहीं थी घर में तो आप लोग क्यों गए स्कूल नहीं जाते बस यही था कोई ट्रीटमेंट स्टॉप थी नहीं हो रही थी उनको कोई पता ही नहीं था कि क्या करना है बाकी फिर इसके बाद फिर मेरे अबू ने फिर हुकूमत से फिर अपील की कि इनको अभी किसी अच्छे अस्पताल भेज दें गवर्नमेंट ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया वफाकी हुकूमत ने भी सूबाई हुकूमत ने भी उन्होंने हमारी फरियाद सुनी वहाँ पे जब मेरा बच्चा ज़ख्मी हालत में पड़ा था तो मीडिया ने भी आवाज़ उठाई आवाम ने भी आवाज़ उठाई सिविल सोसाइटी भी उठ खड़ी हुई उन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ पे इलाज के लिए भेजा इनके लिए पैसे जमा किए क्वीन एलिजबेथ हॉस्पिटल में सूबाई हुकूमत ने हमारे एक्सपेंस का बंदोबस्त किया अहमद पहले से बहुत अच्छा है शुक्र है लेकिन उसका जो हाथ है वो नीचे वाला वो काम नहीं कर रहा और मुड़ता नहीं है उसका हाथ साल होने को है और माशाल्लाह बस शुक्र है खैर Well, Jane, this is an investigation that's actually funded directly by the Home Office, by the government, and that's because some years ago the government... Hello, assalamu alaikum. Khair khairiyat se hain, sir. मज़ीद क्योंकि इसके नर्व जो कट चुके थे उनको जोड़ा गया है और जो इस हाथ में
यहाँ पे हड्डी की जगह उन्होंने मेटल प्लेट लगाए हुए हैं और नर्व का मसला है, चारों नर्व डैमेज थे। यहाँ पे ट्रीटमेंट फिलहाल स्टॉप है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला हमें। हमें इजाज़त दी जाए मज़ीद ट्रीटमेंट की तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे का हाथ ठीक हो सकेगा। जी सर, हम आपको दुआई दे सकते हैं। आप सर हाई कमिश्नर साहब से बात कर लें तो बिल्कुल आप पीएम साहब को कह सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके बच्चे की ट्रीटमेंट में, तो हम इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? मैंने उसको बच्चे के ट्रीटमेंट के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही थी पीएम हाउस की जानिब से, हाई कमिश्नर साहब इब्ने अब्बास साहब और मारूफ साहब ने बहुत हद तक सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ से दुश्वारी कुछ पेश आ रही थी तो उसको मैंने बता दी है। और ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इस पर अभी एक्शन लिया। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अभी बच्चे का इलाज दोबारा से शुरू हो सकेगा। अगर इस मुल्क में अहमद को ये ख्वाब आ रहे कि इस कमरे से एक तालिबान निकलेंगे उस कमरे से, तो उस मुल्क में क्यों नहीं आए? इधर आ जाएंगे और इधर से, अगर इधर से आ गए तो हम क्या करेंगे? अगर पीछे से आ गए तो हम किधर भागेंगे? अगर आ गए तो हमें तो बस मार देंगे इधर इस मुल्क में। जवान बेटा शहीद हो जाए और दूसरा ऐसी हालत में हो और वो दर बदर हो जाए, मुसाफरी की ज़िंदगी बिसर कर रहा हो, अपनों से दूर हो जाए, तो ज़ाहिर बात है वो ट्रामा में होंगे। स्कूल जाते, फिर आके मस्जिद नमाज में पढ़ते थे, घर में खुशी से हम सब एक साथ थे। बच्चे बड़े होने लगे थे, ज़िंदगी एक तरतीब से शुरू होने लगी थी, हमारे कुछ मकसद कुछ अरमान होने लगे थे, बस इसे एक वाकई ने सब तोड़ दिया। मेरा हाथ भी अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ से भी अभी साइड पे हूँ, तो इस वाकये ने हमारी ज़िंदगी को बहुत इफ़ेक्ट किया। कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं यॉर्कशायर रीजन में। Spend a few moments listening to this next guest that we have on the show. A teenage boy who was shot in a Taliban-instigated massacre at a school in Pakistan last year is in Bradford today. He's talking about the importance of education. The British people are very lucky because they have got the safest environment to get their education. He is very hopeful to make a huge campaign for education. A lot of organization from America, even from United Nations also, they sent us invitation for speech. So I want that the people in British and in other countries know the importance of education, because the attackers who attacked on our school, they were not educated. Education is the key to peace, in my belief. What about you, Ahmed? Will it be a very difficult day for you? That day is a very special day for all of us, because on that day we lost a lot. I lost a lot of friends and my brother. So I think we will never forget that day. कोई एहसास ही नहीं कि टाइम एक साल गुजर गया। हम कहते हैं कि वही वक्त है और वही हालात। एक बेटा बीमार है, दूसरा छोटा है, हम बड़े उस आरज की तकलीफ में, तो उस जिंदगी सब की खराब हुई, जिनके एक गए जिनके दो गए, सब हालात। ये हमारा अहमद नवाज को पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड की तरफ से आया है ये लेटर। अहमद नवाज को पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड यूके एंड यूरोप ने नामिनेट किया है यंग पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। लास्ट टाइम 2014 में इन्होंने यही अवार्ड दिया था मलाला यूसुफ़ज़ई। रूटीन वाइज हम तकरीबन यहाँ पे आते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ वो करते हैं ताकि ये इंगेज रहें, और इससे हम कोशिश करते हैं कि इनके जो जहनों पे एक बोझ पड़ा हुआ है उसको हम ख़त्म कर सकें और इनको रिलैक्स कर सकें। बहुत सख्त हालात है। अगर लोग कहेंगे एक साल गुजर गया, मैं कहता हूँ एक दिन भी नहीं गुजरा, वही सेम हालत, वही सेम डे, वही वक्त है।